नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लाहौर 1947 के बारे में एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म के अब अपडेट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीति जिंटा की इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर एंट्री हो गई है। उनका उनका मतलब जो स्क्रीन टेस्ट जो जो लुक टेस्ट होता है वो हो चुका है और वह इस फिल्म में नजर आएंगी। पहले रानी मुखर्जी को कंसिडर किया जा रहा था इस फिल्म के लिए, लेकिन अब लास्ट में प्रीति जिंटा फाइनल हो गई है, जो सनी देओल सर के साथ भैयाजी सुपरहिट में भी नजर आई थी, हीरो में भी नजर आई थी, ये दिल की फिल्म में भी नजर आई थी और भी एक फिल्म में नजर आई थी, शायद मुझे नाम याद नहीं है, बॉबी देओल के साथ सोल्जर में भी नजर आई थी। तो बहुत बड़ी ये फिल्म है दोस्तों, और अब आज इसके बारे में कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि सनी देओल सर की जो गदर 2 है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद में सनी देओल सर के पास इस समय फिल्मों की लाइन लगी हुई है, निर्माताओं की कतार लगी हुई है, तो वे लगातार तेजी से अपनी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सफर फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट कर दी है और ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होगी। इसके अलावा बाप फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट लगभग हो चुकी है और बहुत बड़ी फिल्म है ये, मल्टी स्टार फिल्म है, इसके बारे में अलग से आपको जानकारी दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, सूर्य फिल्म का भी वो कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। सूर्य एक तमिल फिल्म का रीमेक है, तो उसका भी एक शूटिंग जोसफ नाम था शायद उस फिल्म का, उसका हिंदी रीमेक है। लेकिन आज बात करेंगे 1947 के बारे में। तो ये काफी बड़ी फिल्म है। असगर वजाहत के उपन्यास पर राजकुमार संतोषी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। असगर वजाहत के उपन्यास पर ही उन्होंने पिछली फिल्म गांधी वर्सेज गॉड से भी राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी। आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो इस फिल्म के बारे में दोस्तों, मुख्य खबर यह है कि 14 फरवरी से शूटिंग शुरू होने वाली थी इसकी, लेकिन अब 14 फरवरी की जगह 10 फरवरी से ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, क्योंकि मेकर चाहते हैं कि जल्दी से फिल्म की शूटिंग कंप्लीट किया जाए। और दोस्तों, इसकी शूटिंग कहाँ होगी ये भी बता दूं आपको मैं, इसके बारे में मेरे पास अपडेट्स है कि इसकी जो शूटिंग है वो 80% शूटिंग 80% जो शूटिंग है वो मुंबई में होगी। 80% मुंबई के जो मलाड एरिया है, जो मड आइलैंड है, वहाँ पे वृंदावन स्टूडियो है, वहाँ पे भव्य सेट बनाए गए है। 1947 के पार्टीशन के समय के सेट बनाए गए हैं। उस समय लाहौर कैसे दिखता है, क्योंकि ये असगर वजाहत के उपन्यास पर आधारित है, जिसका नाम जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो लाहौर का सीन रिक्रिएट वहाँ पे किया गया है, बहुत भव्य सेट्स बनाए गए हैं। जो तंग गलिया है, जो जिस प्रकार के मकान हुआ करते थे, जिस प्रकार के चौराहा हुआ करते थे, वैसे तरह के सेट वहाँ पे बनाए गए हैं। पहले मेकर्स ने सोचा था कि ये जो लाहौर का जो शूटिंग है वो लखनऊ और ये जो अपना जो कानपुर वगैरह है, लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश में कुछ शहर है, वहाँ पे मतलब ये सीन रिक्रिएट किए जाए, वहाँ पे ओरिजिनल जगह पे जाकर ही, क्योंकि वो कुछ कुछ मिलते हैं जो 1947 के जो इनको जिस तरह के सेट चाहिए वैसी लोकेशन लगती है वहाँ पे। तो वहाँ पर लखनऊ वगैरह में यहाँ पे शूटिंग करने की सोच रहे थे ये, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि जब सनी देओल सर फिल्म की शूटिंग करेंगे और फिर आमिर खान भी फिल्म में है, तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये इश्यू हो जाएगा, ये उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सेट बनाना उचित समझा। तो अब ये डिसाइड किया गया कि 80% शूटिंग है वो मुंबई के वृंदावन स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो इन्हीं में, मड आइलैंड और ये जो मलाड एरिया वहाँ पे की जाएगी, वहाँ पे सेट बना लिए गए, 10 फरवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इससे भी बड़ी न्यूज़ में आपको बता दूँ कि आमिर खान का इस फिल्म में कम से कम 30 मिनट का कैमियो होने वाला है। आमिर खान पहले गैर फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है और ये लगभग कन्फर्म न्यूज है कि 30 मिनट का उनका भी एक कैमियो होने वाला है फिल्म में, जबरदस्त कैमियो उनका भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये खबर भी आपको दे दूं कि आमिर खान का कैमियो के अलावा इस फिल्म की जो अभिषेक है, जो कास्टिंग कर रहे हैं फिल्म की, उनको जिम्मेदारी दे दी है। तो इसमें कोई कास्टिंग में राजकुमार संतोषी की कोई मतलब एक रोल नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से कास्टिंग इसकी करेंगे। जो 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 सबसे अच्छा है एक्टर जिस कास्ट के लिए, जिस रोल के लिए होगा, उसको लिया जाएगा। तो वो किस प्रकार की कास्ट करते हैं ये देखने की बात है जरूर होगी। राजकुमार संतोषी का इसमें कोई दखल नहीं होगा। और साथ में कहानी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ लिबर्टी, सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है, और इस पर इसलिए ली गई है कि एक्शन भी जबरदस्त इस फिल्म में दिखाया जाएगा, इमोशन के साथ साथ एक्शन भी जबरदस्त डाला जाएगा। तो इसलिए इसमें कुछ लिबर्टी ली गई और सनी देओल सर की इमेज को, विशेष रूप से सनी देओल सर की इमेज को ध्यान में रखते हुए फिल्म में कुछ चेंजिंग किए जाएंगे स्क्रिप्ट में। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि सनी देओल सर को जिस तरह के रोल में लोग आजकल देखना चाहते हैं वैसा रोल होना उनका जबरदस्त होना जरूरी है, ये आप जानते हैं। तो ऐसा कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर ये है दोस्तों, सारी बड़ी खबर एक वीडियो में दे रहा हूँ आपको, कि इसमें करण देओल का भी एक रोल हो सकता है। करण देओल को भी इस फिल्म में एक बड़ा रोल दिया जा सकता है, ऐसी खबरें भी लगातार यहाँ पे मेरे को बड़ी वेबसाइट से, बड़े न्यूज़ पेपर से जानने को मिली है। तो अगर करण देओल भी साथ में आते हैं
तो फिर दोस्तों सनी देओल पिता और सनी देओल पुत्र, पिता पुत्र की जोड़ी भी आपको इस फिल्म में साथ नजर आने वाली है। तो फिलहाल सनी देओल और प्रीति जिंटा फाइनल हो चुकी है। आमिर खान का कैमियो लगभग 99.9% फाइनल, और करण देओल भी लगभग ये संभावना पूरी है कि करण देओल भी इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।